रायगढ़ जिला मुख्यालय के निकट NH 49 के किनारे बसे धार्मिक ग्राम झलबला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक रामनामी मेले का आयोजन किया गया है। मेले का आयोजन करने वाली संस्था श्री श्री राधा माधव संकीर्तन मंडली झलमला के निमंत्रण पर यहां देश प्रदेश के साधु संतों का आगमन हो रहा है। राम नाम सप्ताह के नाम से पहचाने जाने वाले इस रामनामी मेले में भाग लेने दूसरे गाँव तथा राज्यों की कीर्तन मंडली भी यहाँ आती है। ग्रामीण सभी का भाव सत्कार करते हैं। मंडली के वरिष्ठ सदस्य रत्तू पटेल ने बताया कि पिछले 65 सालों से यह मेला हर साल 7 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। विगत कोविड काल में 2 वर्ष यह बाधित रहा, मगर इस वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण पुनः इस ऐतिहासिक मेले का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पूरे 7 दिनों तक भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन रूप में जाप होता है। भगवान के महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण उच्चारण से गाँव का माहौल भक्ति भाव से सराबोर हो जाता है। गाँव में रहने वाले सभी धर्म के लोग इस संकीर्तन मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। खासकर सिख धर्म के लोग विशेष भूमिका अदा करते हैं। आप ग्रामीण लोग यहाँ जैसा महाराज जी ने बताया 7 दिन 7 रात तक ये अखंड राम नाम का उच्चारण होता है, ये कितने सालों से चली आ रही है आपके गांव में? हमारे गांव में 65 साल से ये चलते आ रहा है निरंतर, और सभी संतों की कृपा से और हमारे गांव के जो जितने साल भर का जो क्लेश रहता है मन मुटाव रहता है इस नाम के प्रताप के पूरा सब एकजुट हो जाते हैं, साल भर के लिए पूरा उज्जवल हो जाते हैं। यही हमारे कामना से हम इस यज्ञ को प्रेम पूर्वक करते हैं। साधु संत का आवागमन के लिए हम ललाई कराते हैं और उनके आशीर्वाद ही इसको चलाते हैं। अच्छा, आपका गांव कहा जाता है कि चारों धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, क्या वो लोग भी अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं यहाँ? पूरा रूप में कराते हैं। हमारे यहाँ के जो सिख समुदाय हैं, हमारे गुरुदेव जी नरसिंह दास जी के उन्हीं के करकमलों द्वारा गुरुद्वारा का निर्माण हुआ, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ और सारे जितना धार्मिक कार्य हैं सभी उन्हीं के आशीर्वाद से अभी भी चलता आ रहा है और उनको हम हर साल लाते हैं और साथ में गांव में भ्रमण कराते हैं और करते हैं साथ में। जैसा गुरु जी ने बताया कि यहाँ आप दूसरे गाँव की कीर्तन मंडली को भी आमंत्रित करते हैं, दूसरे गांव के कीर्तन मंडली के सदस्य यहाँ करके अखंड हरि नाम का जाप करते हैं, ये कैसे संभव हो पाते हैं? आप लोग कैसे इसको प्रबंध करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं आप लोग? हम लोग 7 दिन जब रखते हैं तो बाहर बाहर निमंत्रण करते हैं हम लोग हर कीर्तन मंडली को और उन लोग आते हैं, फिर उनका जो भी स्वागत होता है हम लोग करते हैं उनका और खाना पीना वगैरह का सब व्यवस्था करते हैं हम लोग और गांव इकट्ठा करके गांव में जब समापन होता है तब गांव में नमन करके उनको विदाई करते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आते हैं, सम्मान के साथ उनको विदाई करते हैं। ठीक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्तू पटेल। आपका नाम क्या है? अम्बालाल पटेल। पुजारी जी, अब ये बताइए कि आपकी ड्यूटी 7 दिन 7 रात तक रहती है, क्या इसमें किसी प्रकार के गाँव वालों का सहयोग रहता है या केवल आप ही करते हैं या कोई आपके साथी जो आपके काम में आपको मदद करते हैं? मेरे साथ मेरे 2 जने और हैं, वो सब साथ में करते करने लगते हैं, मैंने पाली के पाली करते हैं और 7 दिन 7 रात तक हम लोग उजागर रह करके यज्ञ का देखभाल करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अखंड कभी अखंड ज्योत भी जलाया जाता है, सुनने में आया है ये? जी हाँ, अखंड ज्योत जलता है और ज्योत का देखरेख भी करते हैं। अच्छा, ये सहयोग कई बाहरी या कोई राजनीतिक पार्टी या कोई ऐसा जो पैसा देता है बड़ी पार्टी किया, ये गांव के चंदे से होता है जो स्वेच्छा रूप से देते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है, कुछ बताएंगे इसके बारे से? ये पूरा हमारे गांव के चंदा से होता है। महाराज जी बताएं यहां क्या किस चीज का आयोजन हो रहा है? आप जय जगन्नाथ श्रीराम निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रनाथाय सुभद्राय नमः। यहाँ झलमला गांव बड़ा पवित्र गांव है, यहाँ की परिपाटी ऐसा है, इनके गुरु महाराज आप यहाँ बरगद पधारे हुए हैं और ये यहाँ के नाम संकीर्तन के जन्मदाता हैं। इस गांव की परिपाटी ऐसा है, इस गांव में हर साल नाम संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तन 24 प्रहरी और 28 प्रहरी। इस टाइम करुणा काल को देखते हुए विगत 1 साल 1.5 साल करीब होगा या कुछ नहीं हुआ था, ये रत्तू गुप्ता हमारे जो हैं पटेल और इनके जो परिवार वाले हैं, इस नगरवासी गांववासी जो हैं अथक परिश्रम करके 7 दिन का नाम लेके रखे हैं। करो संसार कीर्तनंतम
महापाप विनाशनम। हमारे यहाँ रामायण लिखा है, भागवत लिखा है, कली काल में दान नहीं, यज्ञ नहीं, जप नहीं, साधन नहीं, साधना नहीं, केवल भगवान का संकीर्तन करना है। तो ये ग्रामवासी अपने बच्चों को बुलाए और इकट्ठा किए, ऐसे इन लोग भी हर साल यज्ञ करते हैं। ये जो राधा माधव मंडली है, ये जगन्नाथ जी की जो मंदिर है, यहाँ के परिपाटी हर महीना चतुर्दशी को यहाँ कीर्तन होता है, एकादशी कीर्तन होता है, नित्य प्रति संध्या काल में संध्या आरती होती है। भयो वरिष्ठ जो है यहाँ पर है, यहाँ भगवान कीर्तन करते हैं। और इस वर्ष ये जो नाम यज्ञ है, पहले 3 दिन का 24 घंटा था, 7 दिन तक का कार्यक्रम है। और आप रथु पटेल हमारे यहाँ निमंत्रण देने गए, आप भूत बधान तला राम मंदिर के महंत जी हैं, आप मिथिला शरण जी, तो ये निमंत्रण दिए और कहे महाराज जी हमारे यहाँ नाम यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग पधारेंगे। मैं प्रश्न पूछा रथु से, रथु अब तो तुम लोग से बूढ़े हो गए हो और कैसे ये सब कर रहे हो? बोले बस महाराज आपके आशीर्वाद है, जगन्नाथ जी की दया है, हमारे बच्चे जो हैं ये बच्चे बड़े प्रखर होकर बोले नहीं हमारी परिपाटी को बंद नहीं करेंगे, 3 दिन होता था 7 दिन तक करेंगे। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, ये जितनी यहाँ पर देख रहे हैं सब निमित्त मात्र हैं। अंदर जो बच्चे लोग हैं वो बच्चे लोग अथक परिश्रम करके अब खूब श्रद्धा से खूब भक्ति से यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब ये नहीं है देखो ये खाली खड़े हो जा रहे आकर के। हरि नाम टा कते दिन है गला ना, ये अपन आउछन झलमला के अपन से शिष्य माने अच्छा अपन करी ने कते दिन है गला ना इटा हरि नाम टा चालू छे? गदो 50 70 वर्ष होला ना चालू छे और पिला माने भी आगे कीर्तन में प्रभु जन सब दिन और बार बार कीर्तन पाटी हो जन ताकर रखन जे कर रवार रवार सब व्यवस्था करे जन पिलावन जहाँ तो चंदा करके एकता करके तांकर सेवा सुस्था करे जन। आपणको केते दिन हेगला ना ए गाँव लोक मन को शिष्य करिछन आउ केते दिन हेगला ना कि इनके आसी करी आपण से सहयोग करुछन? इना 40-45 वर्ष होला ना एटा संगे आमे कीर्तन करुछु बेसी करी आते कीर्तन करी। कीर्तन कहले से हरि नाम उच्चारण रे काय नाम रा उच्चारण करसा आपणकर कीर्तन थी? आमे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि कृष्ण हरि राम श्री राधा गोविंद करछु महामंत्र भी करछु। अच्छा ए कई पारिवे से कीर्तन रा से प्रादुर्भाव या उद्भावना उद्भव के उठारे हला एटा किछि कहि पारिवे का आपण? एटा हमर से चैतन्य महाप्रभु करि छले, चैतन्य महाप्रभु कर एटा बंगाल में जिले से आसकर कीर्तन करि छन परगड़ा हमर गुरु महाराज तांकर शिष्य आमे हम श्री श्री ब्रज किशोर दास हमर गुरु थिले तांकर शिष्य आमे हम और हरि नाम कीर्तन सब आरे प्रचार चले। ठीक धन्यवाद। T1 इंडिया न्यूज के लिए रायगढ़ से प्रेम अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है जहां हत्या की नीयत से हमला कर लहूलुहान करने वाले 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वहीं मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को सिटी कोतवाली गरियाबंद की स्पेशल टीम ने महज 7 घंटे के अंदर डाक बंगला गरियाबंद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 23 अक्टूबर के लगभग 1:30 बजे आहत प्रार्थी अफरोज मेमज निजी काम से गरियाबंद आया था अविनाश दीवान के साथ था, तभी आहत प्रार्थी को फोन से सूचना मिली कि उसके साथी सोनू बांबोडे का डाक बंगला पारा के रेसू लोगों के साथ विवाद हुआ है। वहीं मेमन घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने भट्टी तरफ आ रहा था, ईदगाह भाटा बिल्डिंग दुकान के पास खड़ा ही था कि इतने में गरियाबंद का रेसु हाथ में तलवार जैसा हथियार लेकर के पास आए और एक राय होकर बोले कि वह बहुत बड़ा गुंडा बनता है, बचाने आया है, कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान पारुल माथुर के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक सत्येंद्र सिंह श्याम द्वारा टीम गठित कर एवं स्पेशल टीम गरियाबंद को भी निर्देशित कर आरोपियों की पता तलाश में जुटे सभी आरोपीगण वार्ड नंबर 8 डाक बंगला गरियाबंद के होने से सभी के सकुनत में जाकर पता तलाश करने पर अपने अपने घर में होने की जानकारी पर घेराबंदी करने पर सभी आरोपीगण अपने सकुनत में मिले, जिसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना ले आया गया है। पूछताछ करने पर आरोपी रेसु उर्फ दिगंबर नेताम द्वारा अपने पास रखे तलवार टिकेश्वर उर्फ ऋतुराज देववंशी के
पेश करने पर चाकू, राजू उर्फ दिनेश देवंशी के पेश करने पर एक डंडा, अमन सोनवानी के पेश करने पर एक लकड़ी का डंडा, नच्चू उर्फ फलेश्वर दारा हाथ में मुक्के से मारना कबूल किया गया है। अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। T1 इंडिया न्यूज के लिए गरियाबंद से राकेश देवांगन की रिपोर्ट। देखते रहिए T1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और T1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।